فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم. نهاية قابل قدر मुसलमान भाइयों, बुज़ुर्गों, घरों में सुनने वाली मेरी मुसलमान माओ बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप हजरात के सामने सूरह बकरा पहला पारा आयत नंबर 137 और 138 दो आयतें तिलावत की हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह इन आयात का सही मतलब समझाने की तौफीक अता फरमाए और रब्बुल आलमीन हम सब मुसलमानों को सही मानों के में दीन इस्लाम की समझ और इसके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ इस आयत में इससे पहली वाली आयात जिस तरह गुजरी हैं उन आयात के अंदर यहूद को दावत इस्लाम दी गई थी और यहूद नसारा जो थे ये इस बात के मुद्दई थे, दावा कर रहे थे कि हिदायत और कामयाबी यहूदियत और नसरानियत में है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन में इस आयत में हिदायत का असल मियार जो था वो बयान फरमाया कि असल हिदायत जो है वो अंबियाए कराम और उनकी तालीमात की पैरवी का नाम है। सिर्फ खाम ख्याली दावे से कुछ भी नहीं होता है। और इसके बाद फिर यहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम को मुखातिब करके फरमाया कि ये यहूद और नसारा और मुशरिकीन अगर ऐसा ही ईमान ले आए जैसा कि तुम्हारा ईमान है, यानी तमाम अंबिया पर ईमान और फिर उनका यकीन करना और वो अगर इस बात की तस्लीम कर लेते हैं तो यकीनन वो हिदायत याफ्ता हो जाएंगे, उनका ईमान जो होगा वो काबिले कबूल होगा, फिर वो कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि वाकईतन हम कामयाब लोग हैं, हमारी पैरवी करो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर नहीं। तो मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर मारिफुल कुरान में वो फरमाते हैं कि यहां तक ईमान की हकीकत कहीं मुजमल और कहीं मुफस्सल बयान की सूरह बकरा में, और इस आयत में एक ऐसा इजमाल है जो तमाम तफसीलात और तशरीहात पर ये क्या है, हावी है। फरमाते हैं कि क्योंकि आमंतुम के मुखातिब कौन है, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम, तो इनके ईमान को इस आयत में फरमाते हैं कि एक मिसाली नमूना करार देकर हुक्म दिया गया कि अल्लाह ताला के नजदीक मकबूल और मोतबर ईमान सिर्फ और सिर्फ वही ईमान है जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा का ईमान है। जितनी भी चीजों पर सहाबा इकराम ईमान लाए और उनमें कोई कमी और ज्यादती ना हो और अल्लाह ताला की जात, सिफात, फरिश्ते, अंबिया, उसकी किताबें हैं, इन सब के ऊपर ईमान लाए, अकायद हैं, नजरियात हैं, सोच है, फिक्र है, वो रसूल अकरम सल्लम और सहाबा ने जो इख्तियार की अगर वही इख्तियार करेगा तो ये अल्लाह के नज़दीक ऐसा ईमान क्या है, वो काबिल कबूल है, वो ईमान मकबूल है। इसके खिलाफ कोई तावील ना करे, कोई दूसरी मुराद ना ले, दूसरी कोई मुराद न ले, कदे तदाओ तो उन्होंने हिदायत पाई।
کہ جیسے ایمان لے آئے صحابہ اکرام جیسا تو فقد اہتدوا, تو رب العالمین نے فرمایا انہوں نے ہدایت پائی, تو گویا صحابہ اکرام کا ایمان جو تھا اس کو معیار حق قرار دیا. کیا قرار دیا؟ معیار حق قرار دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو قرآن کریم کے نزول کے وقت موجود تھے, چاہے وہ یہودی تھے, چاہے وہ نصرانی تھے, عیسائی تھے یا مشرک تھے, ان کے لیے بھی, اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے ہیں, یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں, ان سب کے لیے صحابہ اکرام کے ایمان کو کیا قرار دیا؟ معیار بنا دیا, معیار بنا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ صحابہ اکرام کے ایمان لانے کے معیار پر پورا نہ اترے تو وہ مردود ٹھہرے, ان کا ایمان ریجیکٹ ہو گیا, ان کا دعویٰ سارے کا سارا باطل ہو گیا. تو آج بھی جو لوگ صحابہ اکرام کے خلاف, صحابہ اکرام کے ایمان کے خلاف ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان بھی قابل قبول نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اس طرح واضح فرمایا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے زمانے کا ذکر کیا تو بہت سارے فرقے آئے گے, تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, کہ کامیاب اور ناجی فرقہ وہی ہے جو میرے راستے کو اپنائے اور میرے صحابہ کے راستے کو اپنائے. تو گویا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار بنایا ہے, معیار بنایا. تو اس لیے آج جو مسلمان بھی, جو فرقہ بھی اگر اپنے آپ کو حق پر یعنی ثابت کرنا چاہتا ہے اور حق کا دعویدار ہے کہ میں حق پر ہوں, تو اسے لازم ہے کہ اس کا نظریہ, اس کی سوچ, اس کی فکر, اس کا عقیدہ, اس کا طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی طرف ہونا چاہیے. اگر ان میں سے اس سے اعراض کر رہا ہے تو فرمایا وَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, سو اگر وہ انحراف کریں گے تو بس وہی ضد پر ہیں. یہ صحابہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرح ایمان لانے سے انکار کریں تو فرمایا سمجھ لو کہ یہ لوگ ضد میں ہیں اور بغض اور عناد میں مبتلا ہے. شقاق, شقاق کا معنی کیا کیا؟ ضد اور بغض اور حسد میں کیا. اور بعض مفسرین نے فرمایا شقاق کا دوسرا معنی کیا؟ عداوت اور دشمنی میں, کہ یہ عداوت اور دشمنی کی وجہ سے کیا ہے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جیسا ایمان نہیں رہا, انکار کر رہے اس ایمان کا. تو فرمایا فسیکفیکہم اللہ, سو کافی ہے تیری طرف سے ان کو, کیا ہے تیرا رب, یعنی اللہ رب العالمین کافی ہے آپ کی طرف سے ان کے لیے, آپ فکر نہ کریں, آپ فکر نہ کریں. تفسیر جواہر القرآن میں ہے کہ یہ دشمنان توحید کی مخالفت اور عداوت دشمنی کے مقابلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پر تسلی ہے, تسلی ہے, تسلی کا وعدہ, تسلی اور امداد کا وعدہ ہے کہ آپ ان کی سخت مخالفت جس طریقے سے یہ مخالفت کریں, اور یہ تعداد میں بھی زیادہ ہے, گنتی میں بھی زیادہ ہے, اور ان اس سب باتوں کی پرواہ نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, سو اللہ آپ کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. تو فرمایا جو لوگ آپ کی اتباع کرنے والے ہوں گے ان کو بھی رب العالمین محفوظ فرمائے. ما اللہ رب العالمین ان شان یا کا بولا, بے شک آپ کے دشمن جو ہے تم پریدہ ہو جائیں گے. ایک دوسری جگہ میں رب العالمین نے فرمایا واللہ یاسمک من الناس, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے. فرمایا تفسیر مظری میں ہے کہ اللہ نے اپنا وعدہ, ابھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا, فسیکفیکہم اللہ, سو کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ, کافی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنا یہ وعدہ جو کیا, تو تفسیر مظری میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ اس طرح پورا کیا کہ یہود و نصارہ اہل کتاب جو تھے ان کے دو گروہ تھے, دو گروہ بنے ہوئے تھے. تو فرمایا اہل کتاب کے ایک بنو قریظہ تھا, دوسرا بنو نذیر تھا. بنو قریظہ جو تھا اس کو تو قتل کرا دیا گیا, اور بنو نذیر جو تھے ان کو جلاوطن قرار دیا, اور جو دوسرے باقی یہود و نصارہ باقی تھے ان کے اوپر جزیہ اور ٹیکس لگا دیا گیا, تو بے بس قرار دیا. تو فرمایا وہ سمیع العلیم, وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے کہ ان کے انکار, کفر, ضد, انعاد, دشمنی اس سب کو جانتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان کے اخلاص اور ان کی دلوں کی پاکیزگی کو بھی جانتا ہے. وہ ہوا سمیع العلیم, سمیع معنی سننے والا ہے, علیم معنی جاننے والا, خوب جاننے والا, اچھی طرح جاننے والا. تو جواہر القرآن تفسیر میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کا ایمان معیاری اور عند اللہ مقبول ہے,
सहाबा इकराम का क्या ईमान क्या है, मियारी है और अल्लाह के यहाँ क्या है, मकबूल है। इसलिए कि यहूद और नसारा और मुशरिकीन का हिदायत याफ्ता होना उनके ईमान लाने जैसे ईमान पर मौकूफ किया गया है कि यहूद और नसारा का ईमान तब एक्सेप्टेड होगा जबकि वो सहाबा इकराम जैसा ईमान लाएंगे। तो गोया सहाबा इकराम का ईमान अल्लाह के यहां मकबूल था ना, तो तभी अल्लाह ने कहा जैसे ईमान लाओ, अगर मकबूल ना होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर क्यों कहते हैं जैसे ईमान। सिबगत अल्लाह, आगे फरमाया सिबगत अल्लाह, हमने कबूल कर लिया रंग अल्लाह, हमने कबूल कर लिया किसका रंग, अल्लाह का। तफसीर मजरी में है हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला से कि वो फरमाते हैं कि इससे सिबगत अल्लाह, इससे मुराद क्या है, अल्लाह का दीन। क्या मुराद है, अल्लाह का दीन मुराद किया। अब दीन को रंग क्यों कहा गया, तो फरमाया इसलिए कि रंग कपड़े पर चढ़ जाता है, इसी तरह दीनदार पर दीन का असर हो जाता है। सिबगत अल्लाह यानी जिस तरह कपड़े को रंग लगाओ तो दूर से नजर आ जाता है, तो इसी तरह अगर कोई दीनदार आदमी दीन को इख्तियार करता है, दीन को अपनाता है, तो दीन क्या है उसके ऊपर नजर आता है कि वाकईतन ये आदमी क्या है, दीनदार है। दो आदमी जा रहे हैं बाजार, एक फासिक फाजिर आदमी है, दीनदार आदमी है, तो दूर से नजर आ जाता है भाई ये दीन वाला आदमी, ये दीनदार आदमी है, और दूसरा जो जाता है तो एकदम पहचान लिया जाता है कि किस किस कैटेगरी का आदमी। तो गोया सिबगत अल्लाह, अल्लाह ने अपने दीन को सिबगा रंग कहा कि जो इसको इख्तियार करेगा उसका रंग इसके ऊपर क्या हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा। आगे फरमाया जवाहर कुरान तफसीर में है कि सिबगत अल्लाह से मुराद दीन तौहीद और मिल्लत हक्का है। नसरानी ईसाई जो थे ये अपने बच्चों और उनके मजहब में कोई आदमी दाखिल होता तो ये क्या कर दे, उसको एक खास किस्म का रंग था, उस रंग में इसको डबो दे दे पानी के नीचे गोता लगा के ऊपर निकालते, वो पाक निकालते थे, और जब इस तरह करते तो कहते ये बहुत ज्यादा पाकीजा हो गया, ये हर किस्म के गुनाह से, हर किस्म के ऐब से, हर किस्म की बुराई से क्या हो गया, ये पाक हो गया, ये पाक हो गया और ये पक्का नसरानी बन गया, गुनाहों से साफ सुथरा हो गया। तफसीरी मजरी में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के कौल मनकूर है, फरमाते नसारा ईसाइयों के यहाँ जब कोई बच्चा पैदा हो जाता और उस पर 7 दिन गुजर जाते तो इसे एक पानी में जिसे वो मामूदिया के नाम से मौसूम करते थे गोता देते और ख्याल करते इससे ये पाक हो गया, और ये फेर जो था, ये हरकत जो थी, मुसलमान जो खतना करवाते ना, ये सुन्नत फितरती इस्लाम में से भी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से भी आता है, तो ये खतरे की बजाय क्या करते, ये काम किया करते थे, बच्चे का खतरा होता है तो ये क्या करते, 7वें दिन उसको पानी के अंदर इस तरह गोता लगाओ, तब समा के नाम से ये रस्म ये कहलाई जाती थी। तफसीर मारिफ कुरान में सिबगत अल्लाह पहली वाली आयत में दीन इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिल्लत इब्राहिम उससे ताबीर किया कि मिल्लत इब्राहिम हनीफ उससे ताबीर किया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ उस दीन इस्लाम की निस्बत की, लेकिन इस जगह में बराए रास्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम को अपनी तरफ मंसूब किया कि सिबगत अल्लाह, अल्लाह का दीन, अल्लाह का दीन। तो फरमाया इसमें किसी पैगंबर की तरफ जो निस्बत होती है असल में अल्लाह के दीन की, तो वो मजाजी थी, हकीकी नहीं थी। यहां पर दीन इस्लाम को हकीकी निस्बत के साथ यहां पर क्या है, बयान किया। एक दूसरी चीज बयान करते हैं कि इस जगह मिल्लत और दीन को सीगा सिबगा के लफ्ज से बयान करने की दो वजह बयान की है। एक तो ये जिस तरह पहले बताया कि उनके यहाँ यहूद नसारा के अंदर एक रस्म थी कि जो बच्चा पैदा हो जाता या कोई ईसाई बन जाता तो उसको उस रंग में डुबो देते थे, डुबो देते तो पक्का नसरानी बन जाता। एक तो इस रस्म की क्या है, तरदीद कर दी, तरदीद कर दी कि असल में ये जो रंग है, ये जो तुम्हारा रंग है, ये रंग जर्द रंग इसकी कोई हकीकत नहीं, असल जो रंग है वो क्या है, दीन इस्लाम का है, कि दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ और अपने आप को उसके अंदर डुबो दो ताकि तुम्हारे ऊपर उसका रंग जाहिर हो जाए। कि दूसरी जो चीज है यहां पर दीन इस्लाम, इसको रंग कहा, क्यों कहा, तो मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे इस बात की तरफ इशारा है कि रंग आंखों से महसूस होता है, रंग क्या होता है, आंखों से महसूस होता है, तो मोमिन के ईमान की अलामत उसके चेहरे और तमाम हरकत सकनात मामलात आदात इस सब में क्या है, जाहिर होती है, इसलिए रब्बुल आलमीन ने यहां से बोल कहा। तो दो वजह उन्होंने बयान की मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह, एक तो ईसाइयों के उस अकीदे की और उस नजरिए की रद्द कर दिया, और दूसरी जो चीज सिबगा कहा, रंग कहा दीन इस्लाम को, उसकी वजह क्या थी कि इस रंग जो है वो इंसान की आंखों से महसूस होता है, तो यहां पर भी जब इंसान
दीन इस्लाम को इख्तियार करता है तो इस इख्तियार करने की वजह से दीन क्या है उसके आमाल में, उसकी आदात में, उसकी सकनात में, उसकी बोलचाल में क्या है, दीन क्या है जाहिर हो जाता है, उसका रंग नजर आता है, उसको महसूस होता है इंसान। तो फरमाया वमन अहसन मिन अल्लाह से, और किसका रंग बेहतर है अल्लाह के रंग से, अल्लाह के रंग से किसका रंग बेहतर है। तो यहां इस्तेफाम जो है ये इनकार के लिए, वमन अहसन हो किसका रंग, सवाल किया जाता है, इस्तेफाम है। तो ये इस्तेफाम किसके लिए, इनकार के लिए। मतलब क्या हुआ इनकार के लिए, यानी अल्लाह के रंग से किसी का रंग अच्छा और बेहतर नहीं है, अल्लाह के रंग से, अल्लाह के रंग से किसी और का रंग अच्छा और बेहतर नहीं है। अल्लाह का रंग तो इस्लाम और तौहीद, तौहीद का रंग है जिसे कबूल करने से इंसान का जाहिर और बातिन ताहिर और तैयब हो जाता है, तैयब हो जाता है। ये मस्नूई और बनावटी जो रंग है, इस रंग के अंदर ये खूबी कहां पाई जाती है, सिर्फ आप उसको रंग में नीचे दाखिल कर दें और फिर निकाल दें, उससे अंदर उसकी ना आदत तब्दील होती है, ना उसके अखलाकियात पे कुछ असर होता है, ना उसकी बोलचाल में कोई फर्क आता है, ना उसके ऊपर कोई मजहबी क्या है अमल उसके ऊपर जाहिर होता है। तो ये बनावटी रंग, ये कैसा रंग है, और मन अहसन मिन अल्लाह सिवा, अल्लाह के रंग से ज्यादा बेहतर रंग और किसका है, वो कौन सा रंग है, दीने इस्लाम। फरमाया वनहनु लहू आबिदून, और हम उसी की इबादत करते हैं। कि अहले किताब तुम्हारी तरह शिर्क में मुब्तला नहीं है, तुम्हारी तरह शिर्क में मुब्तला नहीं है, हम तो उसी की इबादत करते हैं सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की, और हर किस्म की इबादत का इस्तेहकाक सिर्फ और सिर्फ किसके लिए मानते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मानते हैं। तुम्हारा अकायद को शिरकिया बना दे, तुम कहीं ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहते हो, कहीं उज़ैर अलैहिस्सलाम को तुम क्या है खुदा, खुदा का बेटा कहते हो, उसकी इबादत में लगे होते हो। तो हम तो क्या है वनहनु लहू आबिदून, हम तो सिर्फ किसकी इबादत करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है। وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فرودك على عالم ما لبيتنا قبول ومقبول بنا اس بیٹھنے کی برہمی اجر نصیب فرما خاتمہ بالخیر نصیب فرما یا الہ العالمین ہر قسم کی برائیوں سے ہر قسم کی آفات سے ہر قسم کی پریشانیوں سے غموں سے سب کی تو حفاظت فرما دے خیر و عافیت کا معاملہ دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ فرما صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وسلم آمين.